नमस्कार दोस्तों, ये देखिए आज मैं आपको गुड़हल के फ्लावर दिखाऊंगी कि नवंबर के महीने में भी अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट पे इस तरीके से फूल खिलते रहें, क्योंकि अब ये प्लांट पे ना गुड़हल पे थोड़े से फूल कम हो जाते हैं धीरे धीरे। ये जो फूल हैं ये ज़्यादा गर्मी में बहुत ज़्यादा खिलते हैं, अब धीरे धीरे इनकी संख्या जो है ना कम होने लगेगी। और अगर थोड़े से दिन और हम इसमें कुछ फर्टिलाइज़र ऐसा मिला देते हैं ना, तो और दिन अभी नवंबर का पूरा महीना इसमें आप फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो वो कौन सी ऐसा फर्टिलाइज़र है, कौन सी चीज़ है, ये देखिए तितली बैठी हुई है, बटरफ्लाई कितनी सुंदर लग रही है। और ऐसे ही गार्डन में काफ़ी तितलियाँ मेरे घूमती रहती हैं और बहुत सुंदर लगता है। चिड़ियाँ तो तितलियाँ, सुबह सुबह का नज़ारा बहुत अच्छा होता है। ये देखिए कैसे घूम रही है। अभी मैं वीडियो बनाने आई थी तो ये भी आ गई, मैंने इसको भी कैप्चर कर लिया। तो देखिए मैं बताती हूँ आपको कि अभी ना आजकल देखिए पत्ते बहुत निकल गए हैं प्लांट से। ये जो देख रहे हैं आप काफ़ी खाली खाली सा हो गया है ना प्लांट, और पीले जितने पत्ते थे ना वो सब निकल गए हैं इस तरीके से ऐसे। और इसमें अगर हम ज़्यादा लिक्विड फर्टिलाइज़र डालेंगे तो अभी प्लांट में ना सूख नहीं रहे ज़्यादा। हमारे यहाँ धुआं धुआं सा हो रहा है, आसमान बिल्कुल साफ़ नहीं है, तेज़ धूप नहीं है, तो मिट्टी भी ज़्यादा अच्छी सी सूख नहीं पाती। तो इसलिए मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र तो कोई डाल नहीं रही हूँ। तो अब मैं आपको ये बताऊँगी कि मैं कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र डालती हूँ। ये देखिए ये ना कॉफ़ी है, कॉफ़ी के दाने हैं ये। और ये अगर हम डाल लेते हैं ना तो इससे अभी हम एक डेढ़ महीना, एक महीना तो कम से कम फूल ले सकते हैं। हम दिसंबर के भी 8-10 तारीख तक इसमें फूल खिल जाएंगे अगर मैं ये थोड़ी सी कॉफ़ी इसमें डाल दूँगी। तो देखिए कितनी डालनी है ये मैं आपको बताऊँगी। अभी मैं लिक्विड इसलिए नहीं डाल रही कि प्लांट की मिट्टी जो है ना ये गीली है इस तरीके से, और पहले ही थोड़े गीले हैं, अगर मैंने और पानी मिला दिया तो फिर मुश्किल हो जाते हैं, प्लांट ना इस मौसम में ख़राब होने का भी डर रहता है। तो देखिए अभी मैं ये लेकर आई हूँ नीचे से, और ये चम्मच है, छोटी चम्मच है, इतनी इतनी चम्मच मैं हर प्लांट में इस तरीके से डाल दूँगी। ये ले, ये देखिए इस तरीके से। तो ये जो कॉफ़ी है ना, जब मैं पानी डालूँगी उसके साथ घुल घुल के ये जाएगी और प्लांट पे इतना बढ़िया असर करती है। तो हर मौसम में कुछ ना कुछ अलग से मैं अपने प्लांट पे ट्राई करती हूँ और उसका रिजल्ट अच्छा होता है। तो जैसे मैं कर रही हूँ आपको सब बता देती हूँ, तो आप भी देखिए कर सकते हैं, क्योंकि आपके ना काफ़ी कमेंट होते हैं चैनल पे। मैंने जो वीडियो डाली है गुड़हल की, वो पूछते रहते हैं सभी कि भाई क्या आप डालते हो, कैसे करते हो। तो देखिए आज भी अच्छे से 4-5 फूल खिले हुए हैं बड़े बड़े साइज के, और देखिए कलियाँ भी खूब बन रही हैं। और इससे पता लगता है कि छोटी छोटी कलियाँ जो बन रही हैं ना कि फूल अभी खिलेंगे। ये देखिए, तो प्लांट की यही समय समय पर हमें थोड़ी थोड़ी केयर करनी होती है। गुड़हल के सभी प्लांट पे काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, और अब मौसम जो है ना चेंज हो गया है, तो इस मौसम में बिल्कुल भी अपने प्लांट पे ज़्यादा पानी ना डालें, जब भी डालें अच्छे से भर दें। मैंने कल वीडियो परसों डाली थी एक, आप देख सकते हैं इससे पहले की, उसमें भी बताया था कि मैं जब भी अब पानी भरूंगी प्लांट में डालूंगी अच्छे से पानी डाल दूंगी। फिर जब अच्छे से मिट्टी सूख जाएगी, चाहे उसमें 2 दिन लगें, 3 दिन या हफ्ता तक में मिट्टी सूखती है कई बार ना ये मौसम चेंज होने के बाद, तभी मैं पानी डालती हूँ। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र इसलिए मैं अवॉइड करूँगी, जो भी डालूँगी सूखा ही फर्टिलाइज़र डालूँगी, और जो भी डालूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए गार्डन के दूसरे प्लांट दिखा देती हूँ, और देखिए अभी अच्छे से ग्रोथ हो रही है, फूलों की कलियाँ बन रही हैं। तो काफ़ी कमेंट होते हैं, और किसी ने कमेंट भी किया था कि दीदी आप बताइए कि आपके प्लांट कितने पुराने हैं प्लांट। तो मेरे ये प्लांट जो है ये 4 साल पुराना ये प्लांट है, और कुछ 3 साल पुराने हैं, कुछ 2 साल पुराने हैं, कुछ 6 महीने पहले कलम लगाई है, वो थोड़े छोटे हैं। और जो सबसे पुराने प्लांट है ना मेरे 10 साल पुराने, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मेरे जो प्लांट हैं ये ज़्यादा पुराने हैं, इनसे मैंने सारे प्लांट तैयार किए हैं। जब मौसम होता है ना कटिंग करने का प्लांट की, तो मैं कटिंग करके पेड़ लगाती हूँ, प्लांट तैयार करती हूँ कटिंग से, जो चल जाते हैं फिर उनको बड़े गमले में धीरे धीरे उनको शिफ्ट करती रहती हूँ। तो धीरे धीरे अब फूलों की संख्या कम हो रही है, तो आज मैं इसलिए कॉफ़ी का पाउडर इनमें मिक्स करूँगी मिट्टी में। और अभी पानी तो मैंने डालना नहीं है क्योंकि पानी गीले हैं प्लांट,
तो इसीलिए सभी प्लांट में मैं इस तरीके से कॉफ़ी डालूंगी। और देखिए अभी कलियाँ सब प्लांट में ऐसे धीरे धीरे बन रही हैं, तो इससे पता लग जाता है कि कितने दिन तक हमारे प्लांट में फ्लावरिंग होगी। और ये देखिए, ये एक प्लांट मैंने तैयार किया था, खुद कटिंग लगाई थी इसकी, वीडियो भी शेयर करी थी, आप देख सकते हैं। आप देखिए कितना अच्छा ये बढ़िया से ग्रोथ ले जाएगा। और अभी तक तो मैंने इसको पेड़ पौधों के बीच में ही रखा हुआ था किसी गमले के ऊपर। अब इसको देखिए मैं थोड़ा सा धूप में रख लूँगी, क्योंकि आजकल धूप थोड़ा कम लगती है ना, प्लांट को धूप लगनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए ये सभी प्लांट ऐसे हैं जिनमें अभी कलियां बन रही हैं। तो धीरे धीरे जब ज़्यादा सारे प्लांट होते हैं तो कभी किसी में कुछ मिलाना होता है, किसी में कुछ, जिसमें अच्छे से फूल खिल रहे हैं उसमें खिल रहे हैं, फिर हफ्ते बाद उनमें कुछ मिला दूंगी। तो यही चलता रहता है सब गार्डन में। तो देखिए आज की यही वीडियो थी कि गार्डन में हम क्या क्या मिला सकते हैं अपने प्लांट पर, जिससे फूल थोड़ा सा खिलते रहें समय तक और गार्डन का नज़ारा दिखा देते। और देखिए कुछ जो प्लांट थे ना फूल खिलने के बाद मैंने कटिंग करी थी, अब उनमें अच्छे से फिर धीरे धीरे फ्लावरिंग होने लगी है, ऐसे फूल शुरू हो गए। तो कटिंग का ये असर होता है, जैसे ही मैं पिछली वीडियो आप देख सकते हैं मेरी, मैंने इनमें शेयर करी हुई है चैनल में कि कब कब मैं कटिंग करती हूँ, कैसे करती हूँ। और देखिए एक प्लांट ये है और ये ना थोड़ा सा फैला हुआ था, इसकी कटिंग करी है, इसको मैंने थोड़ा सा बांध दिया, बांधेज ले दिए कि चौड़ाई में नहीं ऊपर को फैलेगा, अगर हम इसको बांधेंगे नहीं ये दोबारा से फिर फैलेगा। तो इसलिए अब इसको देखिए बांध दिया मैंने, थोड़ा टाइट होता रहेगा ना इसको, फिर रिबन ये जो मैंने बांधा है रस्सी इसको टाइट करती रहूँगी तो ये ऊपर को चलता रहेगा प्लांट। तो कुछ ऐसे टिप्स होते हैं जो मैं अपने गार्डन में अप्लाई करती हूँ, उसी से फूल अच्छे से खिलते हैं खूब। ये देखिए इसी तरीके से अच्छी फ्लावरिंग हो रही है खूब। तो ये जब सब बोगनविलिया झड़ जाती है ना, फिर मैं कुछ कटिंग करती हूँ, कुछ ऐसे बांध देती हूँ, देखिए रस्सियों से बंधे हुए हैं। तो इसीलिए मैं बांधती हूँ अपने प्लांट को कि जिससे कि प्लांट ऊपर को जाए, चौड़ाई में ना फैल के ऊपर को जाए, क्योंकि फिर गार्डन में ना ज़्यादा भीड़ भाड़ सी हो जाती है चौड़ाई में अगर प्लांट फैलते हैं तो, सूखे पत्ते इनके निकालते रहें। और ये देखिए कुछ कलम थी जो तैयार हो गई थी बोगनविला की, अब इस पर फूल खिलने शुरू हो गए हैं। तो ये सब मैं अपने गार्डन में यही करती हूँ और इसी से फ्री में प्लांट होते हैं। मैं हमेशा बताती हूँ ना कि फ्री की गार्डनिंग करती हूँ मैं, और मेरा जितना भी बड़ा गार्डन है बहुत कम प्लांट खरीदती हूँ मैं। तो आज की यही वीडियो थी, कैसी लगी आपको बताना ज़रूर।